हेलो दोस्तों, मैं आज आपको फेसबुक की आईडी कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो पूरी ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना। निकल लेना है प्ले स्टोर पर क्लिक, उसके बाद सर्च आइकन पर देख हमें क्लिक करके फेसबुक सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद वो सर्च का आइकन दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है, जिस वजह से हमारा फेसबुक एप्लीकेशन आ जाएगा। और उसके बाद हमने फेसबुक पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, उसलिए ओपन का आइकन दिख रहा है, पर आपको इंस्टॉल का आइकन दिखेगा। पर न्यू क्रिएट पर क्लिक करके गेट पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। इधर हमें अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और उसके लास्ट नेम में हमारा सरनेम या कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि अपना पापा का नाम, भाई का नाम, जो लिखना चाहे वो। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, जिस वजह से इधर हमें अपनी बर्थ ऑफ डेट डाल देनी है, जिस वजह से पहले अपने बर्थ की तारीख और उसके बाद महीना डाल देना है, और इसके बाद हमारा ईयर डाल देना है, जिस वजह से हमारे बर्थ ऑफ डेट सेट हो जाएगी। उसके बाद सेट पर क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और इधर हमें हम जो लेडीज हो तो फीमेल क्लिक करना है और बॉयज़ हो तो मेल पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अलाउ पर ऑप्शन करने के बाद इधर अपना खुद का जो मोबाइल नंबर है अपने मोबाइल में वॉइस इसमें डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, जिस वजह से हम आगे बढ़ पाए। और इधर अपना न्यू क्रिएट पासवर्ड डालना है, जो हम कोई अंदाज़ा ना लगा सके, 6 अंक का डालने का है। और उस नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सेव पर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद हमें इधर देखिए हमारा पुराना वाला अकाउंट है, पर इस पर नहीं क्लिक करना। और नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इधर अपने व्हाट्सएप पर या अपने SMS डाल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर एक अपने OTP आएगा, जो इधर डालना है। और उसके बाद हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद OTP डालने के बाद नेक्स्ट करना है। और देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है गाइस। देखिए हमारा थोड़ा लोडिंग ले रहा है, पर इधर अपने ऐड फॉर पिक्चर पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो अब नीचे स्किप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना, जिस वजह से हमारा फ़ोटो नहीं अपलोड होगा, पर आप बाद में अपलोड कर सकते हो। और यहाँ से अपलोड कर लेना है, पर जिस वजह से हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए पूरी तरह से आपको समझ आ जाए उस वजह से। तो हमारे देखिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमने फ़ोटो अपलोड कर ली है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करने के इधर हमें लोडिंग दिखा रहा है। देखिए ये देखिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ऐसा दिख रहा है। और इधर ट्रू ऑन पर क्लिक करने का भी सकते हो और नो थैंक्स पर क्लिक कर ले सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ट्रू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट होंगे वो सब फ्रेंड इधर आ जाएंगे, जिस वजह से देखिए ऐड द फ्रेंड हमें यहाँ से आप फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पहचानते हो। वरना स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारे आसपास के जो फ्रेंड है अपने मोबाइल नंबर सेव किए हैं वो सब है, और स्किप करके देखिए ये चला गया। और इधर अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, वरना इधर भी स्किप कर सकते हो। और ट्रू एंड द नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे वो सब होगा तो हमारे पे मैसेज आएगा, वरना इधर भी स्किप कर सकते हो। और ये अलाउ स्किप करके या देखिए हमारा एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। देखिए कितना सिंपल और लाइट है।